ऐसे ही टैन हो गई हूँ मैं और टैन हो जाऊंगी। इतना भर गया है ये, फिर भी मम्मी बोली रुक जा अभी रुक जा। लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा ही भोले लोग हैं। हाँ, ज्यादा ही भोले मतलब। अभी ये देखो शीरा बना रहा है, पूरी तरह से साफ हो रहा है विवेक का कमरा। बस वो भी बस ना खराबी थी उस बस। वेलकम टू पहाड़ी कॉर्नर व्लॉग्स। कैसे हो दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नए व्लॉग के साथ। सो अभी थोड़ी देर पहले हम उठे हैं एंड जैसे कि पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा जो कल का ही था, कल ही हम आए हैं पराशर लेक घूम के। और कल तो हालत ख़राब हो गई बहुत ही ज़्यादा। सो मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी आपको कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, इसलिए सोचा कि चलो ब्लॉक करके आपको बता ही दिया जाए कि एक्चुअली हुआ क्या था। सो जैसे कि आपने देखा था कि हमारी जो बस थी वो हो गई थी ख़राब। सो बस ख़राब होने के बाद हम मतलब थोड़ा टाइम रुके थे बस में ही एंड देन जो ड्राइवर थे उन्होंने बोला कि ये बस अभी नहीं चल सकती। सो उन्होंने हमें दूसरी बस में फिर बिठाया विच वॉज़ अगेन गवर्नमेंट बस। सो अराउंड आधा पौना घंटा हम वेट करे हम लोग ने एंड देन नेक्स्ट बस में हम बैठे थे। फिर उसके बाद हम पहुँचे मंडी, जैसे तैसे करके मंडी पहुँच के जब हमने सोचा कि यहाँ बैठ के अभी हम पहले कुछ खा लेंगे बिकॉज़ हम सुबह से कुछ खा ही नहीं रहे थे। हम सिर्फ थोड़ा बहुत नाश्ता ऐसा कुछ ही लेके गए थे। सो हमने खाना खाया ही नहीं था। सोचा कि मंडी उतरेंगे खाना खाएंगे, उससे पहले हम बस का पता कर लें। जब हम गए बस का पता किया कि कौन सी बस जाएगी अपने एरिया में, तो उन्होंने बोला डायरेक्ट बस तो मिलने से रही नहीं मिलेंगी। और उसके बाद हमने पूछा ठीक है जो नेक्स्ट मतलब जाहू मंडी से जाहू जाने की जो बस है वो कितने बजे की है, तो उन्होंने कहा अभी 15 मिनट में वो बस आने वाली है और वो लास्ट बस है, उसके बाद डायरेक्ट 8:30 बजे की बस है जो डायरेक्ट हमारे घर के आसपास ही आएगी, बट 8:30 बजे की। हम पहुंच गए थे 5 बजे मंडी। अब हमने सोचा कि यार बेटर है कि यही बस पकड़ लें क्योंकि इतना टाइम रुक के करेंगे क्या वहाँ पे। सो हमने खाना खाया नहीं, फिर भी मैंने वहाँ से भजिए और थोड़ा बहुत चीज़ें ऐसे ही नाश्ते जैसा ले लिया कि बस में बैठ के आराम से खाएंगे। उसके बाद हम बस का इंतज़ार कर रहे थे, बस आई नहीं रही थी। ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया हमें वेट करते करते, बस ही नहीं आ रही थी और इतनी गर्दी हो गई थी। फिर बाद में ना संदीप को दिखा, बोर्ड लगा हुआ रहता है, संदीप को दिखा सामने से कि वो बस पे ऐसा बोर्ड लिखा हुआ है कि जाहू के लिए। एंड देन मम्मी गई पूछने तो पता चला कि हाँ यार वो बस तो जाहू के लिए जाएगी, अगर हमने वो ध्यान नहीं दिया होता तो वो बस तो निकल ही गई होती। पर जब तक हमें वो ध्यान भी पड़ा ना तब तक ऑलमोस्ट वो बस गर्द मतलब ऐसे लोग ठूस रहे थे ना जैसे लोकल ट्रेन में कैसे लोग घुसते हैं वैसे उस बस में घुस रहे थे लोग, बिकॉज इट वॉज दी लास्ट बस टू जाहू। तो इस तरह से लोग घुस रहे थे उस बस में, हालत हो गई। फिर हम जैसे तैसे उस बस में घुसे थे, बहुत गर्दी मतलब लोकल ट्रेन में जितनी गर्दी होती है ना भयंकर गर्दी। लोकल ट्रेन ना फिर भी ठीक है क्योंकि लोकल ट्रेन सीधी चलती है, ज़्यादा ऐसे ऐसे नहीं होती है, बट यहाँ पे बसेस का क्या होता है ना क्योंकि ऐसे ऐसे रोड ऐसे मतलब ऐसे ऐसे जाना पड़ता है यहाँ पे, तो इतनी हालत ख़राब हो गई ना उस बस में हमारी कि हम इधर गिर रहे हैं, ऊपर सारा प्रेशर हाथ पे आ रहा है, ऊपर से रूही, ऊपर से गर्मी, माई गॉड इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना बस में। तो फिर हमें धीरे धीरे करके सीट मिली, मैं बैठी थी कॉर्नर इस तरफ की, मतलब जो सीट होती है ना थर्ड सीट बोलते हैं जिसको, तो विंडो के साइड नहीं, थर्ड सीट पे मैं बैठी थी। उस थर्ड सीट पे मतलब पहले तो मैं रूही को लेके बैठी थी, फिर मैंने रूही ना संदीप को दे दी जो आगे उनको सीट मिल गई थी, लाइक अराउंड आधे पौने घंटे बाद संदीप को सीट मिली थी। उस सीट पे बैठ के ना ऐसी हालत हुई कि मैं अब सोच ली कि कभी भी लॉन्ग रूट जाना हो ना मैं उस सीट पे तो कभी ना बैठूं क्योंकि इतनी हालत, लोग ऐसे ऐसे गिर रहे हैं, पूरी शोल्डर मेरी ऐसी हो गई, मतलब इतनी हालत ख़राब हो गई थी ना मेरी आते वक्त। जाते वक्त हम लोग इतने मस्त में गए, आराम से गए, मज़े में व्यू एंजॉय करते करते, लेकिन आते वक्त
जो बॉडी की बैंड बजी है, लोग गिर रहे हैं, लोग चढ़ रहे हैं और बैग मेरी गोद में रख दे रहे हैं, मतलब लिटरली ऐसा हो रहा था। मतलब अरे क्या चल क्या रहा है यहाँ पे, और ऐसा नहीं देख रहे कि कोई बैठा है। पहले तो मैं बच्चा लेके बैठी थी, कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि यार बच्चा है गोद में, सो रही थी रूही, धक्के दिए जा रहे हैं, पूरा प्रेशर बॉडी पे, पूरा प्रेशर बैग लिटरली उन्होंने ना, एक जने तो रूही सोई थी, हाँ मतलब उन्होंने, उनको दिख नहीं रहा होगा कि बच्चा है गोद में, बट उन्होंने लिटरली ऐसा बैग रख दिया। तो मैंने ऐसे ही किया कि यार बच्चे के ऊपर बैग रख रहे हैं वो लोग। फिर बाद में मैंने संदीप को बोला कि आप रूही को पकड़ लो, क्योंकि बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था। उसके बाद सब मेरे, मतलब मैं ना आधे से ज़्यादा रास्ता ऐसे ही थी, ऐसे मतलब लिटरली मेरी शोल्डर की बैंड बज गई, औरतें चढ़ रही, पर्स लटका हुआ है, लटका के और पर्स मुंह पे लग रहा है। मैं सोच रही थी ये क्या चल रहा है यार, मतलब ये हो क्या रहा है। जैसे तैसे हम पहुँचे फिर जाहू, जहाँ हमें पहुँचना था। हाँ लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम हो गई, बस वो भी बस ना खराब ही थी उस बस की, वो भी बस मतलब बोलते ना चढ़ रही, मतलब कुछ तो आवाज़ें आ रही थी, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा था। ड्राइवर ने रोक के चेक किया सब, हमने सोचा ये वाली भी गई, बट ड्राइवर ने क्या किया, उसने, उससे भी पहुँचना था लास्ट स्टॉप जाहू, उसने जो भगाई बस, सारे मोड़ जो होते हैं ना ऐसे ऐसे एकदम, मतलब हाई स्पीड टर्न ले रहा था वो, कैसे भी करके ना उस बस को पहुंचाना था, क्योंकि अगर बीच में ख़राब हो गई ना तो लग जाती सबकी, और इंडिकेटर दे रही थी बस बार बार कि कुछ खराबी चल रही। फिर जैसे तैसे करके हम लास्ट स्टॉप पहुंच ही गए, वहां पे पहुंचे तो पता चला कि हमारी बस, ये वाली जो आई थी, ये ऑलरेडी लेट आई थी, तो हमारी नेक्स्ट बस जो हमें पकड़नी थी, जो हमारे घर के आसपास ही आनी थी, वो निकल चुकी है, लास्ट बस वहां से निकल गई है जाहू से, फिर कोई बस नहीं आनी थी अब इसके लिए। फिर हमने करी टैक्सी वहां से डायरेक्ट, फिर टैक्सी में हम घर पहुंचे आराम से, और जो हमने नाश्ता लिया था ना, जो हम सोचे थे कि बस में खाएंगे, वो हम लोग ने ना टैक्सी में खाते खाते आए हैं अराउंड, मतलब पूरा दिन हम भूखे। हम घर पहुंचे 8 बजे, हम लोग ने वो नाश्ता किया है 7:30 बजे के बाद, मतलब आधे घंटे में हमें टैक्सी ने घर पहुँचा दिया। मतलब इस तरह से थी हमारी जर्नी रिटर्न आने की, बहुत ही खतरनाक, एडवेंचरस बोलूँगी मैं तो, एडवेंचरस जर्नी थी। बट जाते समय एंड प्राशल एक घूमना, मंडी घूमना, मार्केट घूमना, वी एंजॉयड अ लॉट। हमारे प्लान थे एक्चुअली कि हम मंडी, मतलब हमारे पास टाइम होता ना कि और भी बसेज होती जाहू के लिए, सो हमारा प्लान था कि मंडी में पहले कुछ खाएंगे एंड हम ना वहाँ से, यहाँ पे ना फ्रूट वाइन्स मिलती हैं बहुत ही बढ़िया, मंडी की और शिमला की वाइन्स मिलती हैं, जो फ्रूट वाइन्स होती हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स की बनती है। इनफैक्ट यहाँ पे बियर भी मिलती है ना, वो एप्पल, एप्पल की बियर मिलती है, तो बहुत ही टेस्टी होती है, जो मैंने 5 साल पहले हम लोग ने ली थी। तो मैंने सोचा था कि मैं इस बार भी मंडी से एटलीस्ट वाइन्स उठा लूँगी, बट अनलकी टाइम ही नहीं था, पर टाइम था आधा घंटा, बस ने फालतू में हमें वहाँ खड़ा करा था मंडी में, पर ठीक है, हम यहीं कहीं आसपास देखेंगे, अगर अपने को मिलती है ना हमीरपुर साइड में शायद मिल जाए तो अपन वहाँ से वी कैन चेक, सो देखते हैं। तो इस तरह से रहा हमारा ये सफ़र आने का, और अब तो ठीक है, फिर भी टायर्डनेस मेरी चेहरे पे दिख रही है, मेरी आंखें भी सूजी हुई है, इतनी इतनी टायर्डनेस हो गई, ऊपर से टैन, गॉड बहुत भयंकर टैन हो गई मैं यहाँ पे आके, बट ठीक है, मुंबई जाके नॉर्मल हो ही जाएंगे। सो आज का दिन वो दिन है जब हमें धोने पड़ते हैं बहुत सारे कपड़े। आज कोई ना कोई बनेगा ह्यूमन मशीन यहाँ पे, कौन बनेगा दिखाती हूँ मैं आपको कुछ ही समय में। सो गाइज, जैसे कि आज है सैटरडे, विवेक को है छुट्टी, और आप देख सकते हो विवेक को छुट्टी है, तो विवेक कुछ ना कुछ तो करेगा। विवेक कर रहा है अपने कमरे की साफ सफाई, क्योंकि इसके कमरे में बहुत ही बदबू आ रही है, पता नहीं क्यों आती है। छी। सो विवेक के कमरे की हो रही है सफाई, सो यहाँ पे उसने निकाल, एक्चुअली विवेक के कमरे में सब बॉक्सेस बॉक्सेस थे तो इनका स्मेल बैठ गया अंदर कमरों में। सो यहाँ पे मम्मी देखिए पकड़ ये तोड़ रही है। सो ये ना छोटे छोटे अंजीर हैं, इसमें बड़ा भी होता है, लेकिन ये वाले पेड़ में ना, ऐसे वाले में छोटे छोटे ही होते हैं। कलम नहीं किया है? अच्छा, कलम करेंगे तो बड़े होंगे। देखो ये देखिए, इसे कहते हैं अंजीर दोगला,
दोगलापन। देखो कितने सारे लगे, ये देखिए कितने सारे लगे, आधे तो वो खा भी गए हैं पक्षी यहाँ पे, बहुत सारे। वाह, ये है नेचुरल फ्रूट। उस तरफ भी बहुत लगे हैं लेकिन वहां तक हम पहुंच नहीं पाएंगे शायद, तो जितने हाथ में आ रहे हैं सब पहुंच पाएंगे। तो मम्मी तो सब पहुंच लेगी, मम्मी को तो आदत है ना पेड़ पे चढ़ के, और वैसे ऐसे फ्रूट्स लगे हो तो मम्मी पेड़ की बैंड बजा बजा के खाएगी, छोड़ेगी नहीं। जल्दी करो, बहुत धूप है, ऐसे ही टैन हो गई हूँ मैं और टैन हो जाऊंगी। इतना भर गया है ये, फिर भी मम्मी बोल रही रुक जा भी, रुक जा भी। अरे रखेंगे किधर, देखो पूरी तरह से साफ हो रहा है विवेक का कमरा। मेरा भी कर दे, मेरा कमरा भी साफ कर देना। आज वॉशिंग मशीन कवर के साथ कपड़े धो रहा है, कवर लगा के, धूप बहुत है इसलिए। धूप जितना धूप है कि स्किन जल सकती है। फोन गाड़ी में बता रहा है कि अल्ट्रा वायलेट रेस एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट है, स्किन कैंसर या फिर स्किन बर्न हो सकता है। प्रोटेक्शन यहाँ पे सूरज इतना तेज क्यों है? हम लोग सी लेवल से 1 किलोमीटर ऊपर है इसलिए हम लोग को धूप ज्यादा लगता है, रात को तारे सबसे ज्यादा दिखते हैं यहाँ पे क्लियर। सो अभी यहाँ पे आप देखिए हमारे पास है बहुत ही स्पेशल शेफ जो आए हैं यहाँ पे शीरा बनाने के लिए। सो विवेक इज वेरी गुड शेफ, सो जो भी विवेक से शादी करेगी बहुत ही लकी होगी शायद, क्या शादी के बाद ये पलट जाएगा, यू नेवर नो। शादी के बाद ये बोलेगा हट मैं नहीं बना रहा। सो आज विवेक ने अपना कमरा साफ किया, सब साफ किया, कपड़े भी धोए साथ में। अभी ये देखो शीरा बना रहा है, छुट्टी है आज इसलिए कर रहा है। हाँ सैटरडे संडे विवेक सब करता है, घर का काम, घूमना फिरना। तो अभी शीरा में डाल दिया है दूध, चीनी भी डल गई, तो ड्राई फ्रूट भी ऐड कर दिए। प्रसाद रेडी है, वेरी नाइस, अच्छा है, दिखने में तो अच्छा है, खा के देखते हैं हम। अच्छा बनाया विवेक ने, बनाया विद मम्मी के असिस्टेंट मतलब गाइडेंस के अंडर विवेक ने बहुत अच्छा बनाया, वेरी नाइस। आपने खाया? बन लूंगा मैं। Happy birthday, अरे 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 Happy birthday to you. नहीं खाना इसको, पहले चल खाना, पहले टेस्ट करेंगे। Happy birthday, clap 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 clap. Hello. चलो बैठ जाओ इधर मम्मा केक करके देंगे सबको। So guys आज जैसे कि आप देख रहे हो 11 मंथ का केक कट हो रहा है रूही का, पर एक बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई थी। आप देख सकते हो इस केक को बहुत अच्छे से, हमने ना दुकानदार को बोला कि भैया इस पे ना 11 मंथ लिखना, लेकिन भैया ने क्या किया 11 की स्पेलिंग लिख दी और यहाँ पे मंथ लिख दिया जो दिख ही नहीं रहा है। फिर हमने अंकल को बोला अंकल गड़बड़ कर दी, एक काम करो आप ऊपर 11 लिख दो सिर्फ अभी। तो अंकल ने क्या किया इधर 1 लिखा, फिर से मंथ लिखने की कोशिश करी है। मतलब यहाँ पे लोग शायद केक पे कुछ लिखवाते नहीं है, तो पूरे केक लिखवाते हैं लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा ही भोले लोग हैं। हाँ कुछ ज्यादा ही भोले, मतलब 11 मंथ बोला तो 11 की स्पेलिंग ही लिख दी। सो
क्या कर सकते हैं अभी। पूरा मेरा जो इंस्टाग्राम पे मैं डाल रही थी रूही के 1 मंथ से लेकर 11 मंथ तक, अभी ये बेचारा 11 मंथ तो अजीब ही दिखने वाला है। ऐसे ना संदीप, कोकम का जूस सब ग्लास में थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं, और इन ग्लास में मतलब जो कोकम का जूस संदीप ने डाला था उसमें संदीप अभी डालेंगे सोडा। सो अगर आपने ये कभी ट्राई नहीं किया ना तो जरूर ट्राई करना, ये बहुत टेस्टी लगता है। और ये रूही मुझे बहुत परेशान कर रही है। अब क्या हुआ बच्चा, इसको ना वो केक कट किया ना उसका चक्कू चाहिए, इसके लिए अभी ये रो रही है। सो ये देखिए बहुत ही टेस्टी, इसका जो फ्लेवर है ना बहुत सही आता है, कोकम का जूस विद सोडा बहुत टेस्टी लगता है। सो गाइज इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं आज। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।